हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो इन दोनों स्पीकर के बारे में है, जिसमें हम इसका टेक्निकल डिटेल्स साथ ही साथ विदाउट कैबिनेट साउंड टेस्टिंग का रहेगा। इसमें हम जानेंगे कि कौन से स्पीकर किस पर्पज़ के लिए आप ले सकते हैं, मतलब किस स्पीकर में आपको ज़्यादा वाइब्रेशन मिल सकता है, किस में थ्रो अच्छा मिलेगा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। साथ ही साथ इन दोनों स्पीकर के प्राइस के बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन सा स्पीकर कितने प्राइस में मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम दो ब्रांड के स्पीकर के बारे में बात करेंगे, जिसमें का हमारा ये पहला स्पीकर जो है एरॉन्स की तरफ से रहेगा, जो कि 1500 वाट आरएमएस पावर में होगा, और दूसरा जो स्पीकर है वो टीजे प्लस के ऊपर रहेगा, जो कि 2000 वाट का आरएमएस पावर कंपनी के हिसाब से बोला जाता है। तो आइए देखते हैं इन दोनों स्पीकर के बारे में कि कौन सा स्पीकर की क्वालिटी कैसा है। तो यहाँ पर हम एरॉन्स के बारे में पहले बात करते हैं। तो डिटेल्स आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, मॉडल नंबर है 18 AP 1500, जो कि 1500 वाट AES पावर कंपनी बोलती है। 5 इंची वॉइस कोइल है, 280x25 mm का मैग्नेट लगा होता है, 8 ओम से काम करेगा। सेंसिटिविटी की बात करें तो 95 dB यहां पे दे रखा है। फ्रीक्वेंसी रेंज यहां पे देखें तो 3200 हर्ट्ज दे रखा है। तो दोस्तों, नो डाउट बहुत ही अच्छा स्पीकर है। जैसा कि आप जानते हैं, एरॉन्स इंडिया हमें अच्छा ही प्रोडक्ट देता है, जैसा कि जो भाई यूज़ करते हैं वो जानते होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जितना पैसा आपसे कंपनी के द्वारा लिया जाता है, उतना अच्छा क्वालिटी आपको भी दिया जाता है। तो ये स्पीकर बहुत ही अच्छा है दोस्तों, 1500 वाट का। यूज़ आप डीजे में, लाइव प्रोग्राम में, दोनों में कर सकते हैं। ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा आप इसे डीजे में यूज़ करें, क्योंकि इसमें आपको अच्छा पंच भी मिलेगा और 5 इंच का वॉइस कॉइल है तो वाइब्रेशन भी अच्छा ही मिलेगा। इस स्पीकर के लिए बेस्ट रिकमेंडेड कैबिनेट रहेगा LF7 पॉप LD18 के कैबिनेट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। दोस्तों, इस स्पीकर के लिए मैं आपको फ्रंट कैबिनेट रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 5 इंच वॉइस कॉइल है तो फ्रंट कैबिनेट में उतना अच्छा रिस्पांस आपको ये नहीं मिलेगा। आप इसे कर्व कैबिनेट में, LF7 LF9 जैसे कैबिनेट में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको मिल जाएगा। लॉन्ग थ्रो भी अच्छा मिल जाएगा इस स्पीकर में। और इसके 4 पीस के लिए आप किसी भी ब्रांड के 6000 से लेकर के 7000 वाट तक के एम्पलीफायर का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे टीजे प्लस के स्पीकर के बारे में। स्पेसिफिकेशन आपके सामने है, 18 इंच के स्पीकर है, 8 ओम से काम करेगा, 4000 वाट इसका प्रोग्राम पावर कंपनी के द्वारा बोला जाता है। आरएमएस पावर की बात करें तो 2000 वाट कंपनी के द्वारा बोला जाता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 5 इंची वॉइस कॉइल है, ये आपको अप्रॉक्स 1500 से लेकर के 1800 के बीच में काम करेगा। तो आप उतना ही मान के चलिए, आप हम इसे 1500 वाट मान के चलते हैं। सेंसिटिविटी 97 dB है। फ्रीक्वेंसी रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं, 36 दिया हुआ है। वॉइस कॉइल जो है 127 mm का लगा होता है, कॉपर मटेरियल में वॉइस कॉइल इसका बना होता है, इन आउट वाइंडिंग के साथ में आता है, 280x25 mm का मैग्नेट इसमें भी लगा होता है। नो डाउट दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्पीकर है। जैसा कि आप जानते हैं, जो भाई यूज़ करते हैं वो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि इस वाले स्पीकर का रिस्पांस आपको कैसा लगा। और दोस्तों, यही बात करें हम इस वाले स्पीकर के लिए बेस्ट रिकमेंडेड कैबिनेट की, तो आप इसे LF9 या फिर हॉल लोडेड कैबिनेट या फिर LF7 जैसे कैबिनेट में यूज़ कर सकते हैं। इस वाले स्पीकर के लिए आप फ्रंट कैबिनेट का यूज़ नहीं करें तो बेटर होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, 5 इंच वॉइस कॉइल है तो इसमें भी आपको उतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिल पाएगा फ्रंट कैबिनेट में। तो आप इसके लिए कर्व कैबिनेट का यूज़ करेंगे, जैसे कि LF7 या LF9 होते हैं, इसमें आपको अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। ये जो स्पीकर है, ये भी PD मॉडल है, तो इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन मिलेगा। इसी स्पीकर को खास करके मैं वाइब्रेशन के लिए आपको रिकमेंड करूंगा। इस स्पीकर का बेस्ट आउटपुट जो है आपको स्कूप कैबिनेट में मिलेगा, स्कूप बेस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इससे पहले जो मैंने एरॉन्स का स्पीकर बताया था, वो भी स्कूप में अच्छा काम करेगा, लेकिन ये जो स्पीकर है जो कि PD मॉडल में है, ये उससे बेटर रिस्पांस करेगा अगर आप उसे स्कूप कैबिनेट में यूज़ करेंगे। तो ये रहा इन दोनों स्पीकर का टेक्निकल डिटेल्स। अब चलिए इन दोनों का साउंड टेस्टिंग हम एक बार देख लेते हैं। साउंड टेस्टिंग जो है मैंने विदाउट कैबिनेट ओपन में टेस्टिंग किया था, ओनली स्पीकर्स का, हेडफोन में समझ में आएगा तो बिल्कुल आप हेडफोन लगा लीजिए। और चलिए देखते हैं हम सेम वॉल्यूम पे इन दोनों स्पीकर का अलग अलग आउटपुट। Thank you.
तो दोस्तों ये देखा आपने इन दोनों स्पीकर का साउंड टेस्टिंग जो कि विदाउट कैबिनेट ओपन में हमने करके दिखाया आपको। यहाँ पे मैंने जिस एम्पलीफायर का यूज़ किया है साउंड टेस्टिंग के लिए वो एक 4500 वाट का एम्पलीफायर है, इसलिए आपको उतना अच्छा रिस्पांस आपको यहाँ पे सुनने को नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी एक एवरेज क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाता है उस एम्पलीफायर में। तो दोनों स्पीकर की आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे जो PB2000 है थोड़ा ज़्यादा बेस हैंडल कर रहा था, क्योंकि मैंने मिक्सर से थोड़ा सा साउंड टेस्टिंग के दौरान मैंने एक्स्ट्रा बेस देकर के भी देखा, यहाँ पे जो PB2000 है वो ज़्यादा बेस को हैंडल कर सकता है, जबकि उस कंडीशन में यहाँ पे जो आयरॉन्स का 15 वाट का स्पीकर है वो ज़्यादा बेस देने पर डिस्टॉर्शन पैदा कर रहा था, लेकिन PB2000 वहीं पे ज़्यादा बेस को हैंडल कर रहा था। वॉइस क्वालिटी की बात करें तो दोनों स्पीकर में बहुत ही अच्छा हमें आउटपुट देखने को मिला, और आयरॉन्स का भी जो 15 वाट का स्पीकर है मैं रिकमेंड करता हूँ आप बिंदास इसे डीजे में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पीकर, इस प्रकार से इसका प्राइस है। और PB2000 है ये भी आप वाइब्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, डीजे के लिए तो बेस्ट रिकमेंड करूँगा आपको, क्योंकि बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन इस स्पीकर में जनरेट हो जाता है जो PB2000 है डीजे प्लस का। अगर आप स्कूप बेस तैयार करना चाहते हैं तो आप PB2000 का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको एरॉन्स 1500 से अच्छा रिस्पांस दे देगा स्कूप कैबिनेट। तो स्कूप कैबिनेट के लिए मैं आपको डीजे प्लस का ये स्पीकर जो है फुल रिकमेंड करता हूँ, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और LF कैबिनेट में तो आप इन दोनों स्पीकर को यूज़ कर सकते हैं, दोनों स्पीकर के लिए जो है 6000 से लेकर के 7000 तक का आप एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे प्राइस की कि इन दोनों स्पीकर के प्राइस क्या है, तो मैं आपको एक अप्रॉक्स प्राइस बताना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट में जो है प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। तो यहाँ पे जो एरॉन्स का 1500 वाट का स्पीकर है इसका प्राइस आपको 15500 के आसपास मिल जाएगा मार्केट में, कहीं भी आप इसे ले सकते हैं किसी भी डीलर से, या फिर आप डीजे शॉप में जाकर के ले सकते हैं, उससे ज़्यादा प्राइस आपको नहीं लगेगा। और यही बात करें हम डीजे प्लस के स्पीकर के प्राइस की, तो PB2000 इस वाले स्पीकर का प्राइस जो है आपको अप्रॉक्स 19000 के आसपास मिल जाएगा, डीजे प्लस के डीलर से ही लें ताकि आपको सही प्राइस मिल सके। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे पूरा डिटेल्स दे दूंगा। तो दोस्तों जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन भाइयों से कि यदि अगर आप इन दोनों स्पीकर में से कोई भी स्पीकर के यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि इन स्पीकर की क्वालिटी कैसी है, और आप इसे चलाने के लिए कौन से एम्पलीफायर के यूज़ करते हैं, ताकि हमारे उन भाइयों को भी इन स्पीकर के बारे में पता चले जो कि इनका यूज़ नहीं करते हैं या फिर एक अच्छे स्पीकर की तलाश में है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए अच्छे वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।